देशद्रोह कानून नहीं हो सकता रद्द, जरूरत पड़ने पर संशोधन की गुंजाइश। देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को केंद्र सरकार को सौंप दी है। उसका कहना है कि वह देशद्रोह से निपटने के लिए आईपीसी की धारा 124 ए को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रावधान के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि धारा 124 ए के दुरुपयोग पर विचारों का संज्ञान लेते हुए अनुशासन करता है कि उन्हें रोकने के लिए केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिए अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस रेतु राज अश्विनी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट के आगे कहा गया है कि सभी देश अपनी स्थिति को देखकर फैसला लेते हैं, इसलिए आईपीसी की धारा 124 ए को केवल इस आधार पर निश्चित करना चाहिए कि कुछ देशों ने अब ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भारत में मौजूद जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे निश्चित करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।